का संग्राम होगा, ताज किसको करना होगा इंतजार। हमारे साथ हैं टांडा विधानसभा से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी राममूर्ति वर्मा, पूर्व मंत्री। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या विजय रथ, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि 300 के पार, क्या समाजवादी पार्टी उस रथ को रोक पाएगी। राममूर्ति जी, सबसे पहला सवाल कि क्या जो बीजेपी सरकार बार बार ये कह रही है 350 के पार या 300 के पार, क्या उस रथ को रोक पाएगी? देखिए, बीजेपी हमेशा झूठ बोलने का काम करती है और इस झूठ को पूरे देश के लोगों ने समझ लिया है। बीजेपी क्या कहती है क्या नहीं कहती है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन बीजेपी 2 अंक के ऊपर सीट नहीं पाएगी, ये आज भी आपके चैनल पर कह रहा हूँ और 10 मार्च को गणना होगी, फिर इसका मिलान कर लेना आप। टांडा विधानसभा की अगर बात करें या पूरे उत्तर प्रदेश की, तो योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भी वायरल होता है, लगातार लोग कहते रहते हैं, अपील भी कर रहे हैं कि गुंडों की सरकार। जी जी, तो गुंडों की सरकार की बात करते हैं, फिर से आ जाएगी। जैसे आपका कुछ दिनों पहले एक टांडा में एक जनसभा के दौरान तो निकला, वायरल हुआ, कहा अधिकारी को ठीक कर दिया जाएगा सरकार। हाँ हाँ, देखिए, इस प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ा गुंडा कोई नहीं है और उनके घर की दूरी टांडा से 60 किलोमीटर है और योगी आदित्यनाथ जी को हम पूरा खुला चैलेंज दे रहे हैं। वो सीएम भी हैं, मठाधीश भी हैं, अगर टांडा विधानसभा में अपने कैंडिडेट की जमानत बचा लें तो ये लगेगा कि उनका प्रभाव है, उनका नज़दीकी क्षेत्र है, उनके नाम पर लोग वोट करते हैं। भाजपा के नाम पर तो कोई वोट नहीं बचा है, अब कितना वोट मिलेगा जब गणना होगी तब इसका पर्दाफाश होगा। मंत्री भी रहे, विकास की अगर हम आते हैं, टहलते हुए रोडों से चल के आते हैं तो चौमुखी विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, रोडों का जाल बिछा दिया, वह जाल कहीं ना कहीं टूटता नजर आता है टांडा और अम्बेडकर नगर। देखिए, ये विकास का जाल या तो उनके भाषण में है या तो कागजों में है, विकास कहीं धरातल पर नहीं हुए हैं। आप भ्रमण कर रहे हैं, किसी भी गांव में चले जाएं, मैं अकबरपुर विधानसभा से लड़ता था, आप किसी भी सड़क पर चले जाइए, अभी भी श्री अखिलेश यादव जी के समय की ही सड़क मिलेगी। टांडा में भी जो वही सड़कें हैं जो 12 से 17 के बीच में बनी थी, दोबारा उनका रिनोल भी नहीं हुआ है। तो ये सब कागजों में विकास किए हैं, सरकारी खजाने को इन्होंने लूटा है, थाने तहसीलों से मिलकर इनके छोटे नेताओं ने जनता को लूटा है, इस सब का हिसाब होने जा रहा है। आखिरी ये है कि अकबरपुर विधानसभा की आपने बात की, आप वहाँ से जैसे टांडा पहुँचे बड़ा विरोध रहा समाजवादी पार्टी में, कई जगह प्रत्याशियों को लेकर विरोध रहा, तो विरोध का कुछ असर दिख रहा है? नहीं, विरोध नहीं था। देखिए, जब प्रत्याशी चुनाव की तैयारी करता है तो उसके लोग आवेश में आते हैं, आवेश में थे, विरोध में नहीं थे। कि राममूर्ति वर्मा को यहाँ किसी का हक अधिकार छीनने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वार षड्यंत्र काम न कर सके इसलिए मुझे लाया गया है। और मेरे यहाँ प्रत्याशी बनने के बाद, आज़ादी के बाद से आज तक पहली बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक वो महिला हुई थी, उसका टिकट उनको काटना पड़ा, जो उनका अपना आत्मघाती फैसला है। बहुजन समाज पार्टी को अपना टिकट चेंज करना पड़ा। तो आखिर जो निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया, पहले तो हम लोग भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसा निर्णय है, लेकिन उनके निर्णय के बाद दूसरे दलों में जो घबराहट हुई उससे लगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत सूझबूझ का निर्णय लिया। और आज टांडा विधानसभा में 10 को जब परिणाम आएगा तो हमें लगता है कि जब से लोग वोट डाल रहे हैं आज तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक हार जीत का अंतर टांडा में होगा। एक आखिरी प्रश्न, अगर टांडा की बात करें या अम्बेडकर नगर जनपद की बात करें, दोनों तरफ से आप तो विकास के मुद्दे हैं और कई ऐसे मुद्दे, क्या सबसे अहम मुद्दे हैं जिनको सरकार में आते ही सबसे पहले उसका निदान करेंगे इन विधानसभाओं के लिए? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी है कि सभी स्कूल कॉलेज खुलें, लोगों को पढ़ने लिखने का अवसर जो एक षड्यंत्र के तहत बंद किया गया है 2 वर्षों से, उसको तत्काल खोला जाएगा।
गांव खेत खलिहान किसान मुसलमान परिवार के बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिकार जो पहले था वो फिर से हो जाएगा और जो एक दहशत का वातावरण है वो समाप्त होगा। लोग थाने तहसीलों में जाने से डरते हैं कि पैसा नहीं है तो बात नहीं सुनी जाएगी, भाजपा कार्यालय चले जाएंगे तो वहाँ भी फीस लगती है, तो ये सब समाप्त हो जाएगा। ये तो आरोप बीजेपी लगाती रहती, समाजवादी में चलता था तहसीलें नहीं। हमारे ज़िले में तो आप पता लगा लो कहीं चलता रहा हो, और बीजेपी का हम बताइए, थानेदार खड़ा कर देंगे, वो बयान करेगा आपको कि 50 लाख रुपए हम महीने देते हैं जिसमें पूरा प्रशासन शामिल है। एक थाना 50 लाख रुपया महीना देता है, एक दिन में उसको कितना 6 लाख रुपया इकट्ठा करना पड़ता है, 2 लाख रुपया उसको इकट्ठा करना पड़ता है तो 5 लाख लूटेगा वो। उसमें विधायक भी शामिल है, संगठन भी शामिल है, यहाँ का SP भी शामिल है, DGP भी शामिल आता है, इसलिए कहीं कोई सुनता नहीं। तो आपकी सरकार आते ही सब बंद हो जाएगा निश्चित? हमारे जनपद में पीछे भी था कि अगर कहीं कोई रिश्वत हमारे भ्रमण के दौरान बताया तो उसको ऐसे बीच में खड़ा करता था, और जो लोग निर्णय करते थे कि इसको छोड़ दिया जाए तो आप पैसा वापस करके माफ़ी मांग के जाता था। मूर्ति जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। आपने एक सवाल उठाया अभी कि स्कूल कॉलेज षड्यंत्र के तौर पर बन, तो मैं प्रश्न फिर से बढ़ाता हूँ आगे। षड्यंत्र क्या कोरोना को षड्यंत्र मान? कोरोना षड्यंत्र नहीं है, लेकिन स्कूल कॉलेज को बंद करना एक षड्यंत्र है। पूरे देश में कोई भी काम बंद नहीं हुई, दो चीज़ें बंद हुई। एक, गरीब जहां नौकरी करता था, कोरोना के नाम पर उसकी स्ट्रेंथ को 2/3 कम कर दिया गया, वो शहरों से लौट आया गाँव पर। और दूसरा, जो गरीब परिवार के लोग प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते थे, जिनके घर में ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं, ऐसे लोगों को एक योजनाबद्ध ढंग से कि ये पढ़ना लिखना भूल जाएं, एक साजिश के तहत ये किया गया है। मैं नहीं समझता कि इतने लोग यहाँ खड़े हैं, और 20 लोग अधिकतम 20 बच्चे एक क्लास में बैठते हैं, 20 बच्चों के बैठने पर कोरोना बढ़ जाएगा, और एक एक लाख की रैली करते हैं प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी, उसमें कोरोना नहीं बढ़ता। बाजारों में 10-10 हज़ार लोग मार्केटिंग करते हैं, वहाँ कोरोना नहीं बढ़ता। जो हमारी सबसे अनिवार्य चीज़ है कि अगर हम शिक्षित नहीं बनेंगे तो फिर हम समृद्ध कैसे बनेंगे? अगर शिक्षित समृद्धशाली नहीं होंगे तो हमारा देश प्रदेश कैसे विकसित राष्ट्र बनाने जो आप बात कर रहे हैं कैसे होगा? जनता के बीच इसका असर दिख रहा है, लोगों के बीच दिख रहा है। ये चुनाव जो होने जा रहा है ये पार्टियों के बीच में नहीं है, ना जातियों के बीच में है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस देश के संवैधानिक अधिकारों को जनता से छीनना चाहते हैं, और एक तरफ जो लोकतांत्रिक अधिकार संवैधानिक अधिकार हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से प्राप्त हैं उसको बचाने वाले लोग हैं। इसी के आधार पर ये चुनाव हो रहा है, और आप ये देखेंगे कि इसमें सब तमाम दल समाप्त हो जाएंगे, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो कभी सोची नहीं होंगी वो होने जा रहा है चुनाव में। हम लोग तो 47 पर बच गए थे इनके झूठ के आगे, झूठ बोलकर हम लोग काम करने वाले लोग थे, नज़रअंदाज कर दिया, और इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और दूसरे लोगों का इतना भय व्याप्त है, इन्होंने कई बार कहा है कि संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो अनुपयोगी हैं, इससे लोग डरे हुए हैं कि ये संविधान समीक्षा के नाम पर हमारे हक अधिकार को छीनना चाहते हैं, फिर एक बार हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, ये राज पद्धति से देश को चलाना चाहते हैं। आपके जब श्रीमान मोदी जी प्रधानमंत्री हुए थे तो यही मोहन भागवत जी जो संघ के प्रमुख हैं, इनका बयान छप हुआ है। आप बताओ क्या देश की आज़ादी के बाद देश में कोई मुसलमान भी प्रधानमंत्री हुआ है? आपको लगता है कि जातिवाद की राजनीति? नहीं नहीं, आप स्वयं भी एक नागरिक हैं, इसके पहले सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू,
क्या वो मुसलमान थे? जितने लोग भी हुए, चौधरी चरण सिंह हुए, चंद्रशेखर जी हुए, मोरारजी देसाई हुए, अकेले मोदी जी जो है हिंदू है। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी तो अंग्रेजों के साथ थे, इनकी विचारधारा को मानने वाले अंग्रेजों के साथ थे, ये आज़ादी को नहीं कबूल करते। और अब ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कौन हिंदुस्तानी है कौन नहीं है, तो ये सब लोगों के समझ में आ गया, अब इनका कोई तीर चलने वाला नहीं। कितने के पार जा रही है समाजवादी? समाजवादी पार्टी 100 सीट में सभी दल रही, अंडर 100 ऑल पार्टी। बीएसपी का गढ़ है, बीएसपी के वोटर बहुत ज्यादा है, हमने अभी कई जगह बातचीत भी की, तो बीएसपी का गढ़ था, बिल्कुल गढ़ था। आप देख रहे हैं कि सारे नेता जो बीएसपी के दिग्गज नेता थे वो सब चुनाव लड़ रहे हैं, और मैडम ने जब से कह दिया है कि सपा को हराने के लिए भाजपा को वोट दे सकते हैं, तब से दलित भी अपने संविधान की संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए वो भी अब मैडम के साथ नहीं है। पढ़े लिखे जितने लोग हैं सब श्री अखिलेश यादव गठबंधन के साथ हैं। तो राममूर्ति वर्मा जी हमारे साथ पूर्व मंत्री, उनका साफ तौर पे कहना है समाजवादी की सरकार बन रही है, निश्चित तौर पे 10 मार्च को साइकिल दौड़ेगी उत्तर प्रदेश की धरती पर, और मुख्यमंत्री अगर बात करें तो अखिलेश यादव होंगे। कैमरा पर्सन हम के साथ अविनाश त्रिपाठी, लाइव 24 टांडा।